राधे राधे सभी को, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ में। आज हम बनाएंगे मैकडोनल्ड स्टाइल फ्रेंच फ्राइज, जिसके लिए हमने 5 आलू लिए हैं। ये साइज़ में काफ़ी बड़े हैं और ये नॉर्मल आलू हैं। आपके वहाँ अगर पहाड़ी आलू मिलते हैं तो आप फ्रेंच फ्राइज के लिए वो ज़रूर लें, लेकिन हमारे यहाँ पहाड़ी आलू नहीं मिल रहे थे तो हमने नॉर्मल आलू लिए हैं। इनसे भी बहुत ही बढ़िया फ्रेंच फ्राइज बन के तैयार हुई थी, बिल्कुल मैकडोनल्ड स्टाइल। सभी आलुओं को वॉश करके छील लेंगे और उनको दो भागों में कट कर लेंगे, क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी बड़े हैं। अगर आपके पास मशीन है तो मशीन से आप फ्रेंच फ्राइज की साइज़ के कट कर लीजिए, अदरवाइज आप चक्कू से भी इस तरीके की शेप के आलू कट कर सकते हैं। कटे हुए सभी फ्राइज़ को एक अलग बर्तन में निकाल के एक बार और वॉश करेंगे, ताकि इनके अंदर का जो स्टार्च होता है वो पानी में धुल जाएगा। और एक पतीले में पानी गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया है। जैसे ही पानी गर्म होगा उसमें एक चम्मच नमक, एक चम्मच विनेगर डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से मिलाकर सारे फ्रेंच फ्राइज इसके अंदर सिर्फ 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे। इस तरीके से अगर आप फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे तो मार्केट के किसी भी फ्रेंच फ्राइज को आप टक्कर दे सकते हैं। एक बार अपने बच्चों को बना के खिलाइए, फिर वो आपसे ही मांग मांग के खाएंगे, मार्केट वाली भूल जाएंगे। इन सभी को सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉयल करना है, ज़्यादा बॉयल नहीं करें और इनको जो एक्सेस वाटर है वो सारा निकाल दें और इनको ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा भी करना है और इनका ये जो पानी है वो सारा हमें अच्छे से सुखाना है। या तो आप किसी कपड़े पे फैला के 10-15 मिनट के लिए रख दीजिए पंखे के नीचे, तो इनका सारा पानी है वो अपने आप सूख जाएगा। या अगर आप जल्दीबाजी में बना रहे हैं तो टिश्यू पेपर लेकर आप इनका पानी है वो अच्छे से पोंछ सकते हैं। पानी जब अच्छे से सूख जाए तब हम इनको तलेंगे। तलने के लिए ऑयल चाहिएगा। ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे और गरम गरम ऑयल में ही सारे अपने फ्रेंच फ्राइज छोड़ देंगे। ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म करना है और इनको सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। 1 मिनट फ्राई करने के बाद इनको बाहर निकाल लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। याद रखें, फ्रेंच फ्राइज को 2 बार तलना है, तभी वो इतने क्रिस्पी और अंदर से नरम होंगे। पहली बार तलते समय ये ध्यान रखना है कि आलू का कलर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, और एक बार सिर्फ इनको इतना तलना है कि ये अंदर से थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब इनको ठंडा करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, एक बर्तन में डाल के पंखे के नीचे रख देंगे। अच्छे से ठंडे हो गए हैं, अब हम इनको दोबारा तलेंगे। दोबारा तलने के लिए भी ऑयल आपको काफ़ी गर्म चाहिएगा, ठंडे ऑयल में ना डालें वरना आपके फ्रेंच फ्राइज है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब आप इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए उलट पुलट कर तलते रहें। बीच बीच में आप चेक करते रहें कहीं ये बहुत ज़्यादा ना जल जाएं। इतना तलना है कि वो मार्केट वाला कलर आ जाए। एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक तलिए और जब बाहर निकालेंगे तो आपके पास एकदम मैकडोनल्ड स्टाइल फ्रेंच फ्राइज आपके पास तैयार हैं। घर के शुद्ध ऑयल में, शुद्ध अपने हाथों से, शुद्ध आलू से अगर हम अपने बच्चों को बना के खिलाएंगे तो मार्केट वाले जहर से हम बचा सकते हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर हमारे पास ये फ्रेंच फ्राइज बन के तैयार हो जाते हैं। ना ही ये बनाने में ज़्यादा झंझट है और ना ही ये ज़्यादा मेहनत का काम है। बहुत ही आसानी से ये फ्रेंच फ्राइज हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कितना परफेक्ट कलर आया है और ये खाने में भी इतने ही स्वादिष्ट बने हैं। आप इनके ऊपर अपनी पसंद का कोई भी मसाला डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने घर पे जो मसाले हैं वही डाले हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा मैंने ओरिगैनो डाला है और थोड़ा सा नमक, लाल मिर्ची और थोड़ी सी काली मिर्ची डाली है मैंने। आप अपनी पसंद से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और लीजिए, बनके तैयार हैं आपके पास मार्केट स्टाइल फ्रेंच फ्राइज। तो खाइए, इंजॉय करिए। आप इनको चाय के साथ खाइए या बगैर चाय के भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। और ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें।